हरिनगर चरोदा में कमर छठ पर्व के अवसर पर नगर की महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर कमर छठ पर्व मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। हर साल भादो माह की षष्ठी तिथि के दिन हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इसे कई राज्यों में हल छठ और ललही छठ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कमर छठ के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में शामिल कमर छठ का विशेष महत्व है। महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती है। छत्तीसगढ़ में आदिकाल से मनाया जा रहा है ये त्योहार। छठ पर्व अथवा बगैर जोते हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बिना हल चली वस्तुओं का ही महत्व होता है। महिलाएं पूजा के बाद पसहर चावल, जिसे लाल भात कहते हैं, और 6 प्रकार की भाजियों का सेवन करती है। इस दिन सिर्फ भैंस के दूध और दही का ही सेवन किया जाता है और संतान की लंबी उम्र के लिए छत्तीसगढ़ में आदिकाल से ये त्योहार मनाया जाता रहा है। इस व्रत में शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाओं द्वारा गली मोहल्लों और घरों में सगरी यानी 2 तालाब के स्वरूप आकृति बनाई जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सगरी में दूध दही अर्पण करती है और कथा का वर्णन करती है। क्या है ना, बच्चों की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति के लिए ये उपवास करते हैं सभी महिलाएं। बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए घर में सुख शांति बना रहे, बच्चे को ज्ञान बुद्धि दे माता हल षष्ठी, इसीलिए हम सब मिलकर महिलाएं यहाँ पर हल षष्ठी का व्रत कर रहे हैं और इसी का पूजा पाठ चल रहा है। अब इसमें क्या है, वही भैंस के दूध का दूध दही और पसहर का चावल लगता है और वही 6 प्रकार का भाजी है, यही सब है। और नया वस्त्र पहन के ही इसका पूजा पाठ करते हैं सब महिलाएं, यही है इसका मेन। और पूजा करने के बाद वही पसहर का चावल का फलाहार करते हैं और 6 प्रकार के वही चना जो भी है बिना हल चले वाला जो बने रहता है ना उसी को चढ़ाते हैं और बच्चे को पोता मारते हैं और आशीर्वाद माँ हल षष्ठी का मिलता है बच्चों को। ये व्रत बच्चे लोग के लिए रखे जाते हैं। मोबाइल बंद करने बताओ। रखे जाते हैं इसमें पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी तो फरार करते हैं, पूजा करते हैं। बहरहाल हरिनगर चरोदा में ये पर्व बड़े हर्ष और धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाएं बड़ी संख्या में यहां शामिल रही और व्रत रख पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। एसीएन न्यूज के लिए चरोदा भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।